सबसे पहले हमारे को टब भरना पड़ेगा। बेटा अगर बुखार हुआ ना तो डोंट एक्सपेक्ट दैट। सॉरी प्लम्खा आवाज गले लगी नहीं एंड यू खुली भाई। बट इतना मजा ना नदी में जाके भी नहीं आता है। और जब महीने में 15 दिन मैं खाना बनाता हूँ घर में तब। आज मैंने सिंपल जैसा खाना बनता है। तो हाई फाई कब बनाती हूँ? देखो अबे मिलने हैं मैं तुम्हें अगले ब्रिस्त है आज के दे डे। Just take my hand and fly up through. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। हम सुबह सो के उठे हैं, अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और घर पे बैठे हैं। आज है संडे तो आज सोचा हमने क्या किया जाए, तो हमने लास्ट वीक राजगढ़ से कुछ लाया था। हमने लाई थी एक पाइप और एक नोजल शॉवर वाली और कुछ उसके साथ क्लैंप्स थे जो उसके साथ जोड़ने के लिए। तो आज हमने बस वही चीज़ करना है कि जो हमने पाइप और जो शॉवर लाए हैं वो हमने आज उनको असेंबल करना है। और आज बालकनी में बैठ के वीवी करने वाला है, वीवी का मैं भी मस्ती करने वाला हूँ शॉवर में। तो जो हमने सामान लाया था राजगढ़ से वो रखा है हमने कार में, तो मैं आया हूँ पार्किंग में अभी। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि गाड़ी में हमारे पास क्या क्या सामान है जो हमने राजगढ़ से लाया था। तो ये है वो कुछ पाइप्स और जो सामान हमने लाए हैं, शॉवर है इसमें और कुछ कनेक्शंस है इसमें जो देने के लिए, टाई करने के लिए है। तो एक काम करते हैं कि फटाफट रूम चलते हैं और रूम चल के आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लाया है। सामान हमने ले लिया है, गाड़ी को लॉक कर देते हैं। सो गाइज, तो हम घर पहुंच चुके हैं। तो अब मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा रूम उल्टा सीधा हुआ हुआ है और दीदी आए हैं, मेरी आंटी वीवी की नैनी। तो ये घर पे चल रहा है काम, वीवी शायद दूसरे रूम में लगी है और वीवी जो है कि पीछे पीछे सारा जितना हम साफ कर रहे हैं वीवी अपने पीछे पीछे से सारा सारा सफाई को उल्टा सीधा कर रहा है। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल गुड। सो वी आर आल्सो हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर। सो राज मस्ट हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट टुडे इज संडे एंड वी आर गोइंग टू हैव अ रियल रियल बाथ इन सन। तो सारी तैयारियां हो चुकी है, वीवी इज रेडी फॉर द शावर। तो हमने प्लान किया है कि राज एंड वीवी बोथ ऑफ देम विल हैव अ लॉट ऑफ फन इन आवर बालकनी टुडे। हाय एवरीवन, से हाय एवरीबॉडी। हाय बबी, नमस्ते करो सबको। पुष्पा, यहाँ से चलते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ कि हमने फन एक्टिविटी करने के लिए जो हम पाइप लाए हैं, शॉवर लाए हैं, तो वो सब चीजों को अब असेंबल करने का टाइम है। चलिए तो गाइज, ये है मटेरियल जो हम लेके आए हैं शावर बनाने के लिए, गर्मियों के लिए, अपने बालकनी के लिए। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो है एक पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप। ये है 5 मीटर का, मतलब ये 15-16 फीट के अराउंड है ये पाइप। और एक है इसमें ये नोजल और उसके साथ है ये 2 कनेक्टर जो पैनल टैप में लगते हैं, जिसमें नीचे पाइप जुड़ेगी और ये टैप में लगेगा ऊपर। और इसके साथ है 3 कनेक्टर। अब इन्हें पहले मैं फटाफट से जोड़ लेता हूँ और जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ। पाइप जो है, कनेक्टर, शॉवर दोनों बिल्कुल तैयार है। एक साइड से ये टैप में लगने के लिए तैयार है और एक साइड से ये हमारा शॉवर तैयार है। तो चलते हैं बालकनी में और बाहर बालकनी में भी जाके रेडी करते हैं, टब फिट करते हैं और जो हमारे कुछ चीज़ें वहाँ पे भी ज़रूरत की चाहिए वहाँ भी फिट करते हैं। तो चलते हैं बालकनी की तरफ। दिस इज द प्लेस, ये है मेरा प्लेस, यहाँ पे मैं अपन एक्टिविटी करूंगा। और ये है वीवी का प्लेस जहाँ पे वीवी इसके अंदर एक्टिविटी करेगा अपनी फन एक्टिविटी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वैसे मैं इसके अंदर बैठने में ज्यादा इंटरेस्टेड था यहाँ बैठने के, पर मैं शायद उसके अंदर आऊंगा नहीं, फिट नहीं हो पाऊंगा पूरा। तो वहाँ पे वीवी रहेगा अब की बार और मैं बाहर, और मैं यहाँ से शावर लगाऊंगा इसके ऊपर भी, अपने ऊपर भी। तो इससे पहले कि हम एक्टिविटी शुरू करें, सबसे पहले हमारे को टब भरना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इस पर पानी भरते हैं और शुरू करते हैं आज की फन एक्टिविटी। दिस इज हॉट वाटर। तो गाइस, पानी भरने के लिए तो वैसे हमारे पास पाइप है, बट हमने अभी एक बकेट गर्म पानी का लाया कि वीवी कहीं बीमार ना हो जाए, बिकॉज अभी गर्मी यहाँ पे हो चुकी है काफी, बट फिर भी ठंड है बच्चे के लिए।
ठंडा पानी होगा, तो इसलिए हम पहले एक बड़ी बकेट इसमें गर्म पानी की डालेंगे। आप इसको पहले फटाफट हम इस पानी को यहाँ डालते हैं, और दीदी के एक्सेप्ट आप देख सकते हो ये कितना बस इसने से कुछ शरारती शुरू कर दी आपने। He is a water lover. ये वाटर लवर पानी के बीच ही सुबह शाम तक रह सकता है। तो फाइनली हमारा शावर हो चुका है रेडी। तो ये है शावर, ये है बिल्कुल कार वॉश करना हो तो कार वॉश, अगर हमारे को चाहिए ये नहाने वाला शावर। नहीं हो गया नहाने वाला शावर रेडी। नहीं हेड पहन के नहाना है। चश्मा तो पकड़ो बेटा, सर पे गिराओ सर पे मेरे। बेटा अगर बुखार हुआ ना तो डोंट एक्सपेक्ट दैट, नीचे करो मैं दवाई दूंगी। नीचे 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 नीचे। तो गाइस मुझे वहां बाहर बैठ के मजा नहीं आ रहा था, दीदी के साथ अंदर बैठ के ही फन है। हाय डैडा, हाय डैडा, हाय डैडा, हाय डैडा। भाई बट इतना मजा ना नदी में जाके भी आता है, इतना मजा यहाँ बैठ के नहाने में आ रहा है। बेबी कम ऑन पापा, कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन बेबी। इतनी हाई फाई पापा, जितनी हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई। काश ईशा तुम भी एंजॉय कर पाती, इतना मजा आ रहा है ना, अगर तुम ठीक होती तुम भी बहुत मजा लेती। गाइस इट्स अ लॉट ऑफ फन, इसका कोई वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि नदी में जाके मजा आता है यार, या स्विमिंग पूल में जाके मजा आता है। बालकनी में धूप में बैठ के गर्म पानी ठंडा पानी दोनों मिक्सचर के साथ बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस पानी के लिए जितनी एक्टिविटी बहुत हो गई है, अब चलते हैं अंदर, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाए। मैं तो छोड़ो पर स्पेशली दीदी बीमार ना हो जाए। अब चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। अगर आप लोग भी इस तरह का फन घर पे लेना चाहते हो और आपके पास भी बालकनी है या आपके पास धूप वाला बाहर का एरिया है, तो ये सब जुगाड़ करके आप भी अपने घर पे बहुत मजे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अब आपसे अंदर। सो गाइस वीवी और मैं दोनों नहा के हो चुके हैं फारिक, ईशा बन लगी है खाना बनाने में, लंच की तैयारी कर रही है। सो गाइस हमारा लंच तैयार हो चुका है बिल्कुल, तो दुनिया के सबसे महान शेफ ईशा जी ने खाना तैयार कर दिया है। तो देखते हैं ईशा ने आज क्या बनाया है। यह है जी मास्टर शेफ हमारे घर के ईशा जी। ईशा क्या बनाया है? हर घर का मास्टर शेफ लेडीज ही होती हैं, मदर या फिर वाइफ्स। यस दैट्स ट्रू। तो मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रही है, और जब महीने में 15 दिन मैं खाना बनाता हूँ घर में तब भगवान से डरो। बनाता तो हूँ, 15 दिन कब आई वो दिन। तो आज तुमने क्या बनाया ईशा? आज मैंने सिंपल जैसा खाना बनता है सिंपल इंडियन फैमिलीज में। तो हाई फाई कब बनाती हो? देखो मुझे पता सिंपल बोलने क्या मतलब, सिंपल ही तो मुझे बनाती हूँ। 2 मिनट में खिचड़ी, 2 मिनट में मैगी। सी दिस इज द लाइफ प्रूफ, बिकॉज दिस मैन ऑलवेज एक्सपेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल यू नो, एंड यू डोंट नो हाउ मच अनहेल्दी इज दैट। यू मैं कभी खाने के एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, हाँ जो बनता है मैं वैसा बताता हूँ। अब ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा खाना बनाया, सिंपल तो बोलने की क्या जरूरत है यार। आई विश कि कोई गेस्ट होता घर में एंड आई कुड एक्चुअली फीड दैट गेस्ट एंड कुड हैव गिवन द राइट रिव्यूज। हमारी बिल्डिंग में ना 70-80 रूम्स है, अगर ये अभी लाइव वीडियो होता ना तो 10 बंदे अभी चेक करने आ जाते यहाँ कि खाना कैसा बना है, ये भी इसकी भी शिकायत दूर हो जाती। लोगों ने देखा गाइस हम लोगों ने आज बहुत फन किया, सच में फैमिली के साथ एंजॉय करके ना बहुत मजा आया। आप लोग भी अपने घर पे वीकेंड पे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं, फैमिली को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मॉम डैड की कंपनी में घूमना। हम जब घर पे गए थे तो हम बहुत जगह गए थे, मॉम डैड हमेशा साथ होते थे पूरा साल, मतलब वो भी हमें मिस नहीं होता है। मेरे डैड तो वैसे बहुत एक्टिव रहते हैं इन सब एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, घूमना फिरना कहीं भी, मॉम भी रहते हैं ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ
कनव रहता है घर पे, रिम्पल होती है घर पे, भाई साहब हमारे बड़े वो बिजी आदमी है, वो घर पे मिलते नहीं है, वो ऑक्यूपाइड ही रहते हैं. पर हाँ, बाकी सारे फैमिली मेंबर के लिए घूमना फिरना मैं हर टाइम रेडी रहता हूँ कि चलो बोलो सब कहाँ चल रहे हैं घूमने. तो आज का भी एक वैसा ही दिन था मेमोरी वाला, तो वही भी एक मेमोरीज रहेगी हमारे पास हमेशा. वो देख पाएगा अपने आपको कि वो जब छोटा था तो व्हाट वर हिज एक्टिविटीज. तो अब चलते सीधा खाना खाने की ओर. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से कर ले, देर ना करें. नीचे एक लाइक का बटन है, उसको लाइक कर ले. उसके नीचे सब्सक्राइब का एक आइकॉन है, उसको हिट कर ले. उसके ऊपर घंटी का भी एक आइकॉन है, उसको भी बजा दे. घंटियां बजा दो, अच्छा रहता है घंटियां बजाना. और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच. आज की वीडियो जो क्लोजर है ना, वो ईशा पहाड़ी में करेगी. तुम्हारा वीडियो देखने लगे बोरी बोरी धन्यवाद थारो. अब मिलने हमें तुम्हारे अगले ब्रिज से. आज के दड़ दई तब तई अपना ध्यान डाओ, मजे करो. सॉरी प्लम खाओ आज गले लगी नहीं एंड भी खुली. टिल देन टाटा बाय बाय.